नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगैप एमओडी 75 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, प्रेगैप एमओडी 75 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और प्रेगैप एमओडी टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि प्रेगैप एमओडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रेगैप एमओडी एक ब्रांड नेम है। प्रेगैप एमओडी टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। प्रेगैप एमओडी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन प्रेगाबेलिन 75 mg और मिथाइल कोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम होता है। प्रेगैप एमओडी टैबलेट का उपयोग न्यूरोपैथिक दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। न्यूरोपैथिक दर्द का मतलब होता है नसों का दर्द। न्यूरोपैथिक दर्द होने पर बहुत तेज दर्द होना, जलन होना, सुइयां चुभने जैसी संवेदना होना, हाथों व पैरों का सुन्न पड़ जाना, मांसपेशियों में कमजोरी होना और बिजली के करंट की तरह झटके के साथ दर्द होना आदि लक्षण न्यूरोपैथिक दर्द होने पर हो सकते हैं। डायबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर, शरीर में खून की कमी होने पर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या होने पर न्यूरोपैथिक दर्द होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा फाइब्रोमायल्जिया होने पर भी प्रेगैप एमओडी टैबलेट का उपयोग किया जाता है। फाइब्रोमायल्जिया होने पर पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है और शरीर में थकान रहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा प्रेगैप एमओडी टैबलेट मिर्गी और दौरों को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्टर अन्य दवाओं के साथ प्रेगैप एमओडी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में प्रेगैप एमओडी टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में प्रेगैप एमओडी टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, नींद अधिक आना, सिरदर्द होना, सिर चकराना, कब्ज होना, मुंह में सूखापन होना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, हाथों व पैरों में सूजन होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना अधिक आना और शरीर में थकान होना आदि साइड इफेक्ट्स प्रेगैप एमओडी टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगैप एमओडी टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। प्रेगैप एमओडी टैबलेट को शाम के समय खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। प्रेगैप एमओडी टैबलेट एक सस्टेन रिलीज टैबलेट है जो शरीर में धीरे धीरे रिलीज होती है और सस्टेन रिलीज दवाओं का असर 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रहता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर प्रेगैप एमओडी टैबलेट को दिन में एक ही बार और शाम के समय खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। प्रेगैप एमओडी टैबलेट को डॉक्टर 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। प्रेगैप एमओडी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको प्रेगैप एमओडी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगैप एमओडी टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लगातार 12 सप्ताह से अधिक प्रेगैप एमओडी टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगैप एमओडी टैबलेट को 12 सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए। प्रेगैप एमओडी टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेगैप एमओडी टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। प्रेगैप एमओडी टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगैप एमओडी टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने
करने की वजह से नींद आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है, इसलिए प्रेगैप एमओडी टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए प्रेगैप एमओडी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रेकमेंडेड नहीं है। प्रेगैप एमओडी टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में प्रेगैप एमओडी टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को प्रेगैप एमओडी टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका प्रेगैप एमओडी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।